पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में नेताओं की खरीद फरोख्त होती है। गहलोत ने कहा कि पंचायती राज चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार बिकने को तैयार होता है। गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उदयपुर पहुंचे अशोक गहलोत ने जिला प्रमुख के कलेक्टर पर लगाए आरोपों पर कहा है कि 21वीं सदी में ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने माना है कि गांव में आज भी ऐसा होता है। वहीं सालोदिया मामले में एक बार फिर उन्होंने कहा कि उमराव ने गलत किया। उदयपुर पहुंचने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि निःशुल्क दवा वितरण योजना और मजबूत होनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि कैंसर और हार्ट की बीमारियों के साथ ही लंबी बीमारियों की दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। यूडीएच विभाग ने बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटधारियों को पानी के कनेक्शन के लिए पीएचईडी की ऊंची दरों पर एतराज जताया है, जिसके बाद पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि अगर यूडीएच को मंजूर नहीं होगा तो वो इस पर काम नहीं करेंगे। किरण माहेश्वरी ने कहा कि एक प्रस्ताव था कि हाई राइज बिल्डिंग्स को भी पानी दिया जाए। पहले की जो बिल्डिंग्स थी उनमें आधा इंच की पाइप लगाई जा रही थी, लेकिन ऊंची इमारतों में कनेक्शन के लिए नई लाइन डालने की जरूरत है। अजमेर की रेल जरूरतों के मद्देनजर कांग्रेस के शिष्टमंडल ने अजमेर डीआरएम को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने कुछ नई ट्रेनों की मांग के साथ ही पुष्कर मेड़ता प्रस्तावित रेल मार्ग पर काम शुरू किए जाने की मांग की है। झुंझुनू में प्रदेश भर के मंत्रालयी कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी विधायकों से मिल रहे हैं। आज झुंझुनू के दौरे पर पहुंचे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के साथ भी मंत्रालयी कर्मचारियों ने मुलाकात की और प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी पवार के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा। राठौड़ ने उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है। पवार ने बताया कि ग्रेड पे और पदोन्नति के अलावा रिक्त पदों को भरने जैसी मांगे भी प्रमुख हैं। जल स्वावलंबन अभियान को लेकर टोंक कलेक्टर ने जागरूकता गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। कलेक्ट्रेट में हुए कार्यक्रम में विधायक और बीजेपी के पदाधिकारियों समेत अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अभियान के तहत जिला प्रमुख ने अपना 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि अभियान के लिए 88 गांवों का चयन किया गया है। 70 करोड़ की लागत का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने 1 दिन की सैलरी देने का फैसला किया है। जी राजस्थान न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। अलवर के खेड़ली में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को पुलिस ने गिरा दिया। जी राजस्थान न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। हमने दिखाया था कि किस तरह कुछ लोग सरकारी जमीन पर दुकान बना रहे थे। श्रीडूंगरगढ़ में जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर हुआ है। राशन कार्ड के नाम पर चल रहे धांधली की खबर दिखाई जाने के बाद विधायक ने सतर्कता दिखाई। विधायक ने नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास लेते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। दरअसल श्रीडूंगरगढ़ में राशन कार्ड बनवाने को लेकर पैसों के लेनदेन की खबर आई। श्रीविजयनगर में जी राजस्थान न्यूज का असर हुआ है। यहां वार्ड नंबर 4 में पानी का खड्डा, जिसमें शहर के गंदा पानी ओवरफ्लो होकर वार्ड में फैल गया था। इसके बाद लोगों की मुसीबत हो गई थी। इस खबर को जी राजस्थान न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पालिका प्रशासन हरकत में आया और यहां की स्थिति को ठीक करने के लिए वाटर पंप लगाकर पानी निकाला गया। जोधपुर में 2 दिन पहले हुई फायरिंग के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाशों से 1 गाड़ी भी जब्त की है। अब पुलिस इनके जरिए मोंटू कंडारा तक पहुंचने की कोशिश में है। पकड़े गए बदमाशों के नाम प्रकाश, सुभाष, मनोज और विकास हैं। 2 दिन पहले देर रात फायरिंग की घटना ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। रानीवाड़ा में अवैध शराब से भरी कार को पकड़ा गया है। नाकेबंदी के दौरान सांचौर की ओर जा रही टाटा सफारी को रोकने की कोशिश की गई तो ड्राइवर नाकेबंदी तोड़कर भागने लगा। रानीवाड़ा पुलिस ने बड़गांव के पास गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शराब की तस्करी के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था उसमें बीजेपी के युवा अध्यक्ष का नेम प्लेट लगा हुआ था। तस्करी में इस्तेमाल गाड़ी गुजरात की है और आरोपी भी गुजरात का ही बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक मां ने अपनी 2 बच्चियों के साथ जहर खा लिया। पहले तो मां ने खुद जहर खाया, फिर अपनी 2 मासूम बच्चियों को भी खिला दिया। घटना में महिला की मौत हो गई तो वहीं 1 7 महीने की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना सालमगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा की है। मृतक महिला के ससुर के मुताबिक घर में कोई भी कलह नहीं था। ऐसे में परिजन भी हैरान है कि आखिर महिला ने खुदकुशी क्यों की। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर जोजरों का खेड़ा के नजदीक टोल राशि मांगने पर विवाद खड़ा हो गया। टोल नाके पर बूथ नंबर 10 पर गुस्साए डंपर मालिक, चालक, उसके साथियों ने टोल कर्मचारियों और 2 सिपाहियों को पीटा और उनकी वर्दी फाड़ दी। बाद में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किया। मारपीट में घायल एक सिपाही ने गंगरार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में घरेलू कलह ने 2 युवकों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि सिद्धपुरा के रहने वाले मांगीलाल के 3 बेटों में से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि झगड़े के बाद 18 साल का निर्मल तालाब में कूद गया। पीछे से उसका दूसरा भाई मनमीत उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन दोनों को तैरना नहीं आता था, जिससे दोनों की डूबने से मौत हो गई। दोनों के डूबने की खबर तीसरे भाई ने गांव वालों को दी। गांव वालों की मदद से पिता मांगीलाल ने दोनों के शवों को तालाब से बाहर निकलवाया। वहीं गांव वालों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि प्रशासन के पास कोई गोताखोर ही नहीं था।
जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना हुई। शहर के चौपासनी इलाके में रवि नाम के युवक ने नेमीचंद गुर्जर को गोली मार दी। घटना के बाद नेमीचंद को एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नेमीचंद के सीने में गोली लगी है और कहा जा रहा है कि रवि और नेमीचंद में आपसी रंजिश चल रही थी। राजधानी जयपुर में गश्त के दौरान होमगार्ड के दो जवानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात जेएलएन मार्ग पर शराब के नशे में धुत दो युवक गाड़ी लेकर खड़े थे, जिस पर होमगार्ड के जवानों ने उनसे पूछताछ की तो दोनों ही युवक बौखला गए और रसूख झाड़ने लगे। दोनों आरोपियों में से एक ने होमगार्ड के जवानों को झूठी धमकी भी दी। जब जवान आरोपियों को थाने पर ले जाने लगे तो दोनों आरोपियों ने होमगार्ड्स के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान पीसीआर उन्हें हिरासत में लेकर चली गई। थाने ले जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों का नाम संजय और पीयूष है। प्रतापगढ़ के थड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा ईशा कुंवर सिसोदिया की बोतल में जहर घोल दिया गया। तभी छात्र छात्राएं अपना बैग और अन्य सामान क्लासरूम में रखकर प्रार्थना ग्राउंड में गए थे। इसके बाद क्लास में लौटते ही ईशा ने जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल निकाली, उसे बदबू आई तो देखा पास में जहर की शीशी पड़ी थी। कुछ देर बाद बोतल का भी पूरा पानी सफेद हो गया और सूचना मिलने पर परिजनों समेत सैकड़ों ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। ग्रामीण स्कूल के अध्यापकों को मारने पर उतारू हो गए। हालात ये हो गए कि पुलिस को मामला शांत कराने के लिए पहुंचना पड़ा। प्रतापगढ़ में 14 अलग अलग नामी दुकानों के नमूने फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जिले भर से 159 नमूने लिए गए थे। इनमें 44 टेस्ट के लिए भेजे गए, जिनमें 14 नमूनों में मिलावट पाई गई। अब विभाग की माने तो जिले भर के दुकानदार खाद्य पदार्थों में मुनाफे के लिए मिलावट कर रहे हैं। विभाग ने सभी आरोपियों पर कुल 2,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बहरोड में बीती रात चोरों ने बड़ोद में पीएनबी बैंक को निशाना बनाया। चोरों ने टावर के सहारे चढ़कर बैंक के झरोखों और जालियों को उखाड़कर एटीएम और मैनेजर रूम में अलमारी तोड़कर चोरी की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। जाते जाते चोर बैंक के कुछ कैलेंडर जरूर साथ ले गए। वारदात की जानकारी सुबह लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना करके मामले की जाँच शुरू कर दी। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश संतोष पंडित को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बदमाश संतोष पंडित कुख्यात डकैत सत्यवीर पंडित को हथियारों की सप्लाई करता था। डूंगरपुर के राथड़िया गांव में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। चित्री थाना के गोविंद मीणा का अपनी पत्नी सुनीता के साथ घरेलू बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस पर गुस्से में आकर मीणा ने पत्नी को कुल्हाड़ी मार दी। घटना की सूचना मिलने पर पीहर पक्ष मौके पर पहुंचा और आरोपी पति को सौंपने और मौताड़ा को लेकर हंगामा कर दिया। चिखली पंचायत के प्रधान महेंद्र बरजोड़ और पुलिस की समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। टोंग के बीसलपुर बांध की दाई मुख्य नहर से 12 जनवरी की शाम को खेत में फसल की सिंचाई करते वक्त बही बच्ची का शव 36 घंटे बाद आखिरकार ग्रामीणों ने खोज निकाला है। जानकारी के मुताबिक नगरफोर्ड थाना क्षेत्र के मुकंदपुरा के शिवराज गुर्जर खेत पर फसल की सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान उसकी बेटी मोनिका नहर में पानी के तेज बहाव में बह गई। सूचना पर नगरफोर्ड पुलिस और उपखंडाधिकारी भी मौके पर पहुंची, लेकिन महज 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में ही प्रशासन ने हार मान ली और परिजनों को खुद घर के आसपास ही बच्ची को तलाशने की सलाह दी। लेकिन सुबह जब नहर में पानी का स्तर धीमा हुआ तो बच्ची का शव गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर नहर में तैरता हुआ मिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एडम ब्लॉक में सभी काम कागजों में चल रहे हैं। यहां आज भी विद्यार्थियों को छोटे से छोटा काम लंबी लंबी लाइनों में लगकर करना पड़ता है। काम पूरा होने में भी महीनों लग जाते हैं, लेकिन जब इस परेशानी से निजात पाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने पूरी तैयारी अब कर ली है। जल्द ही राजस्थान यूनिवर्सिटी में आने वाले स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, यानी एडम ब्लॉक अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो जाएगा। अगर पूरा डेटा ऑनलाइन हो जाएगा तो विद्यार्थियों को भागदौड़ से छुटकारा मिल सकेगा। झालरापाटन के चंद्रभागा मेले में तकरीबन 10 दुकानों में आग लगने के बाद अफरातफरी मच गई, जिसमें से 6 दुकानें और 4 थड़ियां शामिल हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में तकरीबन 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद भी दमकल और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। घंटों बाद पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। व्यापारियों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान दोबारा शुरू हो गया है। पालिका ने दही पोल चुंगी नाके से 3 जेसीबी से कबूतर खाने तक सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया। किसी जमाने में सब्जी मंडी की वजह से जाने जाने वाले राजधानी के लालकोठी की पहचान अब कोचिंग इंस्टीट्यूट से है। यही वजह है कि लालकोठी को अब लोग कोचिंग मंडी कहने लगे हैं। कोचिंग से सिर्फ कमर्शियल ही नहीं रिहायशी इलाके भी पटने लगे हैं। यही वजह है कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने जेडीए से कहा है कि 10 दिन में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रिहायशी इलाकों से हटाने का रोडमैप कोर्ट को सौंपा जाए। अगर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इन इलाकों से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हटा दिए जाते हैं तो पूरे प्रदेश के लिए फैसला और नजीर साबित होगा। प्रदेश की जेलों में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला अजमेर सेंट्रल जेल का है। बुधवार देर रात जेल की बैरक नंबर 10 से एक मोबाइल फोन मिला। जेल प्रशासन की शिकायत के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 2 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अलवर में पशु पक्षियों की जान आफत में दिख रही है। अवैध खनन के ब्लास्ट होने की वजह से राष्ट्रीय पक्षी मोर जख्मी हो गए, जिसका इलाज स्थानीय पशु अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि खेड़ली कस्बे में अवैध खनन अपने आप चरम पर है, इसके चलते इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने मोर के पास से घटनास्थल के पास से 315 बोर की राइफल और 212 बोर की राइफल, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस सहित जखीरा बरामद किया है। भरतपुर में आज जिला सतर्कता समिति की बैठक हुई, जिसमें पर्यटन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने अभी तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल और खाद्य सुरक्षा में उन लोगों के भी नाम शामिल किए जाएं। बैठक में कलेक्टर रवि जैन, जिला प्रमुख बीना सिंह, विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल, एसपी राहुल प्रकाश समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धौलपुर के सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूता वार्ड के पिछले दरवाजे पर नवजात बालिका का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। 5 महीने के भ्रूण मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सरमथुरा पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में ले लिया है। बूंदी में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी देखने को मिल रही है, बच्चे और युवा के साथ साथ बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला। पतंग और छतों पर डीजे के बीच पतंगबाजी की व्यवस्था कर खूब लुत्फ उठाया। परकोटे के भीतर शहर में पतंगबाजी के शौकीनों ने दलों के रूप में पतंगबाजी करने की व्यवस्था की और आज सुबह से ही पूरा शहर छतों पर दिखाई दे रहा है, लोगों ने खूब पेच लड़ाए। मकर संक्रांति पर राजधानी के साथ प्रदेश में मौसम पलटा हुआ है, सुबह से ही आसमान में बादल छाने और सुबह हल्के कोहरे के चलते लोगों को सर्दी का एहसास हुआ और मकर संक्रांति का जश्न दोगुना कर दिया गया है। पिछला लंबा समय जो बीता है वह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। चाइनीज माछे से न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान पक्षी भी घायल हो रहे हैं, ऐसे में जयपुर जू प्रशासन के साथ शहर में कई एनजीओ भी इन बेजुबान पक्षियों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए विशेष कैंप लगा रहे हैं। सरिस्का बाघ अभयारण्य इलाके में इस सीजन के शुरुआत से लेकर अब तक देशी विदेशी सैलानियों का तांता लगा हुआ है। अब तक 4000 से ज्यादा सैलानी सरिस्का में भ्रमण का लुत्फ उठा चुके हैं। अलवर में महात्मा मोहनदास जी के 40वें पुण्य स्मृति समारोह पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को मोहिना बाबा की प्याऊ पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर के पूर्व राजा गज सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस में तलवार से केक काटकर 3 दिन में दूसरी बार अपना जन्मदिन मनाया। इस बार के जन्मदिन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उनके परिवार में 8 पीढ़ी और 250 साल के बाद किसी महाराज ने अपने पोते के साथ जन्मदिन मनाया है। बीकानेर में भारत फ्रांस युद्धाभ्यास शक्ति 2016 के 6ठे दिन दोनों देशों के जवानों में जोश देखने को मिला, इस दौरान आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। कोटा में करियर डे के मौके पर उपखंड स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। जेएलएन कैंपस में यह आयोजन हुआ, यहां एसडीएम अंबालाल मीणा ने संस्थान के विद्यार्थियों को जागरूक होने की सीख दी। जयपुर में हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर हार्डवेयर एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। 16 से 18 जनवरी तक अंबेडकर सर्कल पर यह आयोजन होगा। इस बार देसी के साथ साथ इटली, जर्मनी, चाइना और कोरिया समेत कई देशों की कंपनियां हिस्सा लेंगी।